मानसून सीजन में बारिश के कारण विमानों के रनवे से फिसने की घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए मंगलवार को एडवाइजरी जारी की। इसमें डीजीसीए ने कहा कि बारिश के दौरान सभी ऑपरेटर विमानों के टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान एयर सेफ्टी सर्कुलर का सख्ती से पालन करें। पिछले दिनों मुंबई, सूरत और मेंगलुरु एयरपोर्ट पर विमान फिसल गए थे। हालांकि इस दौरान किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। डीजीसीए ने एयरलाइंस के सुरक्षा प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर मौसम की विपरीत परिस्थितियों में लैंडिंग या टेक ऑफ करना पड़ता है तो सभी पायलटों को पहले से सुरक्षा नियमों की जानकारी दे दी जाए। साथ ही कहा है कि अगर एयरलाइन यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ या सर्कुलर का पालन करने में लापरवाही करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों विमान फिसलने की घटनाएं 2 जुलाई मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार रात बारिश के कारण बड़ा हादसा टला। यहां जयपुर से आई स्पाइस जेट SG6237 फ्लाइट फिसली गई थी। हादसे के बाद एयरपोर्ट के मुख्य रनवे को बंद कर दिया गया और दूसरे रनवे से काम चलाया जा रहा है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रिकवरी टीम विमान को घास से वापस रनवे पर लाने की कोशिश कर रही है। 30 जून कर्नाटक के मेंगलुरु में रविवार को एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया। दुबई से आ रहे इस विमान में 183 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। 30 जून गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर रविवार को बड़ा हादसा होते होते बचा था। भोपाल से आई फ्लाइट कम विजिबिलिटी के चलते लैंडिंग के दौरान फिसल गई और रनवे अनसेफ्टी एरिया रेसा से आगे निकलकर कीचड़ में रुकी थी। इसमें क्रू और 47 यात्री सवार थे।